अंग्रेज सेना के सेनापतियों के लिए कारतूस बनाए जाते थे। एक दिन गर्मी से तर बतर थके मांदे प्यासे माता दीन ने मंगल पांडे से पानी का लोटा मांगा। मंगल पांडे ने इसे एक अछूत का दुस्साहस समझते हुए कहा, अरे बंगी, मेरा लोटा छूकर अब पवित्र करेगा क्या? इसके उत्तर में माता दीन ने मंगल पांडे को ललकार दिया और कहा कि अरे ब्राह्मण, तुम्हारी पंडिताई उस समय कहाँ चली गई थी जब तुम और तुम्हारे जैसे चुटियाधारी गाय और सुगर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटकर बंदूकों में भरते हो। माता दीन की ये बात है मंगल पांडे तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि एक बटालियन से दूसरी बटालियन, एक छावनी से दूसरी छावनी तक फैलती गई। इन्हीं शब्दों ने सेना में विद्रोह की स्थिति बना दी। माता दीन वाल्मीकि भी अपना कर्तव्य निभाने में पीछे नहीं रही। उन्होंने बैरकपुर छावनी में भारतीय विद्रोही सिपाहियों से संपर्क बनाए रखा, गुप्त रूप से अंग्रेजों के रखे हथियारों, गोला बारूद, रसद और ठिकानों का पता विद्रोही सिपाहियों को बताया।